हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो कनाडा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ओंटारियो के लॉयलिस्ट कॉलेज के बारे में। सो इस कॉलेज के बारे में हम सारी डिटेल्स शेयर करेंगे, लाइक रिक्वायरमेंट्स, एलिजिबिलिटी, स्कॉलरशिप्स एंड ऑल। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कॉलेज के कितने कैंपस हैं। सो इस कॉलेज के हैं गाइस दो कैंपस। सबसे पहला है बेलविल कैंपस एंड द सेकेंड वन इज़ द मिसिसागा कैंपस। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो सबसे पहले तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो है परसेंटेज कॉलेज में वो है 3,285। कैंपस साइज़ है 200 एकर्स एंड यूजी एंड पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं कॉलेज में। सो दूसरी चीज़, द बेस्ट थिंग इज़ इट्स अ पब्लिक कॉलेज एंड इट ऑफर्स गाइस 77 प्रोग्राम्स। एंड कॉलेज में ऑफर लेटर लेने के लिए आपको कॉलेज में लाइक प्रोसेसिंग करने के लिए सबसे पहले $100 जो है कैनेडियन डॉलर्स आपको वो एप्लीकेशन फीस लगेगी। ओके, सो देन कम्स गाइस इनटेक्स। सो सबसे पहला है कॉलेज में मई इनटेक, देन कम्स सितंबर इनटेक और उसके बाद है गाइस जनवरी इनटेक। देन वील टॉक अबाउट दी रिक्वायरमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा प्रोग्राम्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं। सो आयल्स है गाइज 6 बैंड्स, नॉट लेस देन 5.5 इन ईच मॉड्यूल एंड टोफल के लिए 80 पॉइंट्स। ओके, सो पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट्स स्टूडेंट्स के लिए है आयल्स की रिक्वायरमेंट 6.5 एंड टोफल में गाइज 84 पॉइंट्स एक्सेप्ट करते हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स। ओके, देन कम्स द एलिजिबिलिटीज। सो हम एलिजिबिलिटीज भी देख लेते हैं क्या क्या हैं कंट्री वाइज एंड रिक्वायरमेंट्स जो हर कंट्री के लिए इन्होंने क्या रखी हुई हैं उन पे भी एक नज़र डाल लेते हैं। सो सबसे पहला है इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लाइक इंडियन स्टूडेंट्स एंड पाकिस्तान स्टूडेंट्स के लिए क्या है रिक्वायरमेंट्स। सो 10+2 सर्टिफिकेट विद अ मिनिमम ऑफ 50%। सो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन क्लियर होना चाहिए आपका और 50% एटलीस्ट आपके मार्क्स जो है वो होने चाहिए। उसके बाद आ गया इंग्लैंड, वेल्स, वेस्ट अफ्रीका एंड द मिडल ईस्ट। इसमें सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट्स विद ग्रेड्स ए, बी एंड सी इन 5 एकेडमिक सब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद आ गया वेस्ट इंडीज़। इट्स सेकेंडरी एजुकेशन सर्टिफिकेट सेम ग्रेड्स ए, बी एंड सी इन 5 एकेडमिक सब्जेक्ट्स। उसके बाद आ गया हांगकांग, जो स्टूडेंट्स हैं उनके के लिए है हांगकांग सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, पास मार्क्स इन एटलीस्ट 6 सब्जेक्ट्स। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे प्रोग्राम्स। सो सबसे पहला है डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं कॉलेज में अवेलेबल, कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं और बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम भी कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। देन कम्स कि कॉलेज में किस किस कैटेगरी के लिए प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। सो बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, आर्किटेक्चर के कुछ प्रोग्राम्स हैं, फिर आगे जर्नलिज्म से रिलेटेड, देन कम्स अकाउंटिंग, उसके बाद आ गया टेक्नोलॉजी, फिर आगे कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज भी ये कॉलेज प्रोवाइड कर रहा है। देन कम्स गाइस डिप्लोमा प्रोग्राम्स। डिटेल में आप देख लो कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं इस कॉलेज में अवेलेबल। तो सबसे पहला है डिप्लोमा कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड टेक्निकल सपोर्ट, ये 2 ईयर्स का कोर्स आपका रहेगा। फिर आ गया डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन, ये भी 2 ईयर्स का। देन एडवांस्ड डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग, 3 ईयर्स का कोर्स। फिर आ गया एडवांस डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, ये भी 3 ईयर्स का कोर्स है। एडवांस डिप्लोमा आर्किटेक्चर टेक्नोलॉजी 3 ईयर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 ईयर्स, देन बिजनेस 2 ईयर्स, देन सेल्स एंड मार्केटिंग 2 ईयर्स, फिर अकाउंटिंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 3 ईयर्स, डिप्लोमा अकाउंटिंग 2 ईयर्स, फिर आ गया एडवांस डिप्लोमा आर्किटेक्चरल टेक्नोलॉजी 2 ईयर्स, एडवांस डिप्लोमा जर्नलिज्म में 3 ईयर्स का कोर्स, डिप्लोमा बायोटेक्नोलॉजी 2 ईयर्स, फिर आ गया एडवांस डिप्लोमा एनिमेशन एंड गेम डेवलपमेंट, ये भी 2 ईयर्स। सो इस कोर्स के लिए आपका जो आयल्स रिक्वायरमेंट है वो रहेगा 6, नॉट लेस देन 5.5 एंड टोफल के लिए 80 पॉइंट्स। ओके, लेट्स मूव टू द अदर स्लाइड। ओके, देन कम्स द सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स। सो सबसे पहला है ग्रेजुएट सर्टिफिकेट ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, ये 2 ईयर्स का कोर्स रहेगा।
देन सप्लाई चेन मैनेजमेंट ये 1 ईयर का, देन ग्रेजुएट सर्टिफिकेट सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ये 2 ईयर्स का कोर्स रहेगा, देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1 ईयर का, फिर आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये भी 1 ईयर का, फिर पब्लिक रिलेशन इवेंट मैनेजमेंट ये 1 ईयर का कोर्स रहेगा, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस 2 ईयर्स का कोर्स, फिर आ गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस डेवलपमेंट 2 ईयर्स का, साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है 2 ईयर्स का, फिर इंजीनियरिंग टेक्नीशियन टेक्निक्स 1 ईयर का कोर्स, फिर आ गए गाइस बैचलर प्रोग्राम्स जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद यहाँ कनाडा में 4 ईयर्स तक के डिग्री प्रोग्राम्स होते हैं। सो इसमें है बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ये 4 ईयर्स का आपका प्रोग्राम रहेगा। फिर आ गई आईएलटीएस रिक्वायरमेंट, इसमें भी 6 पॉइंट बैंड्स एक्सेप्ट करते हैं ओवरऑल, नॉट लेस देन 5.5, देन टोफल के लिए अगेन 80 पॉइंट्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्लाइड। इट्स कम स्टूडेंट सर्विसेज गाइस, सो स्टूडेंट्स को ये कॉलेज कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उस पर भी एक नज़र हम डाल लेते हैं। सो सबसे पहला है असेसिबिलिटी सर्विसेज, देन एकेडमिक सेंटर फॉर टेस्टिंग, देन काउंसलिंग सर्विस भी कॉलेज की तरफ से दी जा सकती है कुछ स्टूडेंट्स को। लाइक काउंसलिंग सर्विस आप कह सकते हो कि कई स्टूडेंट्स स्टडी को लेके या किसी भी और इशू की वजह से डिप्रेशन अगर फील करते हैं तो काउंसलिंग सर्विस भी कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा। देन स्टूडेंट सक्सेस मेंटर्स, देन ट्यूटरिंग सर्विसेज भी हैं गाइस कॉलेज की तरफ से, अगर आपको किसी भी अपने प्रोग्राम में दिक्कत आती है तो आप ट्यूटरिंग सर्विस भी कॉलेज की तरफ से ले सकते हो। उसके बाद आ गई गाइस कॉलेज की वेबसाइट। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है इस वीडियो में, अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप कॉलेज की वेबसाइट में जाके और भी डिटेल में कॉलेज की सर्विसेज प्रोग्राम्स एंड ऑल आप खुद से चेक कर सकते हो गाइस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, एंड कोई कमी अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। टिल देन गाइस टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।